दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको एक ग्रहों का एक ऐसा योग बताऊंगा जिसके द्वारा आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। दोस्तों आप लोग कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको उपाय जो कर रहे हैं धन प्राप्ति के, तो इनके जो जिम्मेदार होते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इन सब के जिम्मेदार जो होते हैं वो होते हैं ग्रह। और साथ में अगर आपका वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है तो आपको कोई भी चीज रिजल्ट नहीं देगा, कर्ज की समस्या बढ़ जाएगी। तो जो लोग दोस्तों कर्जवान हैं, जिनको बहुत ज्यादा सर पे कर्ज हो गया है, काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उनके लिए ये उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। दोस्तों यहां पर मैं एक ऐसी एनर्जी, अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर इन ग्रहों की जो एनर्जी है वो मिसिंग है, तो आप लोग की जिंदगी में हमेशा पैसों से रिलेटेड परेशानी बनी रहेगी। और आज मैं एक ऐसा उपाय लाया हूं जिसके द्वारा आप ये बर्थ चार्ट में जिन ग्रहों की एनर्जी मिसिंग होगी तो वही आपकी क्या होगी, कवर हो जाएगी। यहां पर छोटा सा उपाय है, आपको बस एक दिन इस उपाय को करना है और उसके बाद में देखेंगे कि आपको 11 दिन में इसका परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्क्वायर शेप में आपको एक श्रीयंत्र लेना है, चांदी का श्रीयंत्र लेना है आपको, बहुत छोटा सा लेना है आपको, 250 रुपए में। आप सुनार के यहां जाएंगे तो आप उसको ये बोलना है कि स्क्वायर शेप में चौकोर आकार में एक श्रीयंत्र बना करके चांदी में आपको दे दे। इसमें दोस्तों जरूरी नहीं कि बहुत मोटा, पतला सा बस ले ले, इतना छोटा शेप में आप ले लेंगे आपको आराम से 250 से 300 रुपए में ये मिल जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, घर में ले आना है। अब आपको जरूरत पड़ेगी इसमें एक कॉपर प्लेट की, यानी कि तांबे की प्लेट की, छोटी सी तांबे की प्लेट ले लें और इसमें आपको क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे ग्रहों की एनर्जी कैसे इसमें आएगी और कैसे आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो ग्रह धन प्राप्ति के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं उन सभी की एनर्जी आपको इस उपाय से मिल जाएगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये सब एनर्जी नहीं है, ग्रह यदि आपको अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद में सभी ग्रहों का योग यहां पर आपको धन प्राप्ति के योग बनाना शुरू कर देगा। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, यह प्लेट लाएंगे, अब इसको आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन में आपको लाना है, चांदी की जो पूजा उपाय जो करेंगे आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है, शुक्रवार को या फिर गुरुवार को, गुरुवार या शुक्रवार दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, दोनों बेस्ट है। तो आपको ये किसी भी दिन सकते हैं, काफी लोग क्वेश्चन करने लगेंगे कि किस दिन में लाना है, तो कभी भी ला के रख सकते हैं, ये सामग्री जो मैं बता रहा हूँ कभी भी ले आए, लेकिन ये उपाय जब करेंगे आप, ये स्थापित करेंगे घर में पूजा स्थान में, तो सिर्फ गुरुवार को या शुक्रवार को। ठीक है, तो आप ये एक स्क्वायर शेप में श्रीयंत्र लाएंगे, एक तांबे की छोटी सी प्लेट ले आएंगे, अब इसमें आपको इसको रख देना है शुक्रवार या गुरुवार के दिन, और इसमें आपको क्या करना है, सिंदूर चढ़ाना है, लाल सिंदूर इसमें आप चढ़ा देंगे। तो अब यहां पर दोस्तों इसको आपको कहां करना है, पूजा स्थान में रखना है, पूजा स्थान में रख के रोज डेली इनकी पूजा करिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो श्रीयंत्र जो हो जाता है, श्रीयंत्र जो है ये यहां पर क्या है, शुक्र है, और शुक्र जो होता है लग्जरी का कारक है। अब श्रीयंत्र जो लाए हैं तो श्रीयंत्र का जो आकार होता है ये शुक्र का होता है, और इसमें क्या होता है कि शुक्र की जो एनर्जी है ये आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। पहला हो गया शुक्र का आपका अनुकूल फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा आता है यहां पर कॉपर, कॉपर जो है तांबा, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य में जो होते हैं ये भी धन संबंधित परेशानियां दूर करते हैं, तो ये दूसरा ग्रह आपका हो गया, आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो उसकी एनर्जी आपकी यहां पर आ जाएगी। अब चांदी, चांदी जो होता है चंद्रमा, चंद्रमा का कारक होता है, तो आपका मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मन शांत है तो चारों तरफ से जो एनर्जी होती है पॉजिटिव आती है। अब यहां पर आपने चढ़ाया सिंदूर, सिंदूर जो है ये हो गया मंगल का, अगर कर्ज की समस्या है, प्रॉपर्टी संबंधित समस्या है तो ये आपकी दूर हो जाएगी। अब एक ग्रह जो हो जाता है वो है गुरु, तो जो आपका पूजा स्थान जो है ये गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, ये गुरु का स्थान होता है, तो ये सभी ग्रह मिलकर के आपको एक ऐसी एनर्जी आपकी जिंदगी में आ जाएगी, आपके कुंडली में, कि आप एक मनी मैग्नेट बन जाएंगे। कर्ज की समस्या है तो जरूर करें इस उपाय को। अब वो पैसा कहां से आ रहा है, आपके गुड लक से आ रहा है, मेहनत से आ रहा है, या किसी ऑफर के थ्रू आ रहा है, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा आएगा। बस दोस्तों मैं एक चीज में और मैं बता दे रहा हूं कि जो लोग मेहनत करते हैं वही लोग उपाय करें। अब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ ग्रह योग बना दे तो आपको पैसे मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रह योग बनाते हैं कि आपको ऑफर मिलेंगे, ऐसे योग बनेंगे कि आपको पैसा कहां से आए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करेंगे पैसा आएगा, ऑफर मिलेंगे आपको। और ये ग्रह दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपकी अगर कुंडली में मिसिंग है इनकी एनर्जी, तो आपको पैसे से रिलेटेड परेशानी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अगर ये आपने कर लिया पूजा स्थान में
उसके बाद में देखिए कैसे चारों तरफ से पैसा आता है आपके पास में। बस इसको क्या करना है आपको कि हर दिन धूप बत्ती करते रहना, जब दैनिक पूजा आप करते हैं तो डेली यहां पर पूजा करना है। अब यहां पर आप 7-7 बार या 11 बार इन सभी ग्रहों के मंत्र भी जाप कर सकते हैं। गुरु का ओम बृहस्पतये नमः, चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः, मंगल का ओम ओम अंगारकाय नमः, शुक्र का हो गया है ओम शुम शुक्राय नमः, और सूर्य भगवान का ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये मंत्र आप चाहे तो 7-7 बार या 5-5 बार इन्हें वहां पर पूजा कर रहे हैं जब धूप बत्ती दिखाते हुए यंत्र में, आप इनका मंत्र भी जाप कर दीजिए। डेली धूप बत्ती करिए, लाल पुष्प चढ़ाइए, उसके बाद देखिए सभी ग्रह आपको कैसे अनुकूल फल देते हैं। और जो भी धन से रिलेटेड परेशानी या कर्ज संबंधित परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, चारों तरफ से पैसा आएगा। दोस्तों ये उपाय मैं आपको बहुत ही खास उपाय दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आपको कोई ऐसा उपाय नहीं देगा। आप करके देखिए, उसके बाद में कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या फल मिल रहा है, क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।